नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के वोट को लेकर के हो रहे विवाद को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल रहे। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा में वोट रद्द करने की और जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग उठाई। वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी मामले में जांच का भरोसा दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से अनियमितता की गई है, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसी को लेकर गोपनीयता के कानून पर चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग और मतगणना रोकने की मांग की गई। वोट को ऑथराइज्ड एजेंट के अलावा किसी को भी नहीं दिखाया जा सकता। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब पार्टियां चुनाव आयोग के दफ्तर का चक्कर लगा रही हैं। राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान कांग्रेस पार्टी के दो विधायकों के वोट को लेकर बीजेपी और जेजेपी सवाल खड़े कर रही हैं, जिसके चलते वोटों की गिनती रुकी हुई है। इसी मामले को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करी और काउंटिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य रिटर्निंग ऑफिसर ने मान लिया है कि कोई वायलेशन नहीं हुई है और बीजेपी की शिकायत पर काउंटिंग रोकना गलत है। वहीं मामले को लेकर चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ से मतदान का वीडियो मांगा है। बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। हमने जो बात रखी है अब प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ कि भाई हमारे जानकारी के अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर उसने एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट दिया है कि उसने पूरे कंप्लेंट को एग्जामिन किया है और उसमें जितने का वायलेशन नहीं देखा है उसने उन्होंने वो कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं किया और यही ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है। हमारा कहना है कि जो इलेक्शन का काउंटिंग प्रोसेस होता है उसको आप तुरंत कंटिन्यू करने की जरूरत है। उसमें भी उन्होंने यह बात कबूल कर ली है कि शायद ऐसा होगा, शायद से बात नहीं होगी। वो भी कहते हैं वहाँ कैमरा ओब्लिकली रखा था, उसमें भी शायद ब्रॉड पैरामीटर्स उसके आ गए होंगे। तो ये कोई रोलिंग या फिशिंग इंक्वायरी नहीं होती, डेफिनेट फैक्ट्स के बिना पे होता है और कानून स्पष्ट है। हमें किसी ढंग का कोई शंका नहीं कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात को मानते हुए एकदम काउंटिंग होगी। एक्चुअल काउंटिंग बंसल साहब, बंसल साहब समझते अभी हो जाना चाहिए। कांग्रेस के दो विधायकों के वोट पर ऑब्जेक्शन का मामला चुनाव आयोग के दर पर पहुंच चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील अमित साहनी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट रद्द करने की मांग की। आपको बता दें, इससे पहले दिग्विजय चौटाला द्वारा कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और किरण चौधरी के वोट पर किए गए ऑब्जेक्शन को रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जिस तरीके का वातावरण है, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ेगा। राज्यसभा चुनाव में 89 वोट पोल हुए हैं, जबकि हरियाणा विधानसभा में विधायकों की जो संख्या है वो 90 है। जिस प्रकार का एक सारा वातावरण हमने देखा है, जैसी कोशिश हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट निश्चित रूप से हार का मुंह देखेंगे और अभी तो इतना ही कहा जा सकता है, बाकी 5 बजे काउंटिंग है, उस काउंटिंग के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार करेंगे।
गुरुग्राम के लघु सचिवालय में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गुरुग्राम की जाम के अलावा जलभराव की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से गुरुग्राम के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस समस्या को किस तरह से खत्म किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो आपको बताते चले, केंद्रीय राज्य मंत्री ने लघु सचिवालय में बैठक की, सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक की गई है, जलभराव की समस्या पर चर्चा की गई। इसी के साथ सीएम की घोषणाओं पर भी संज्ञान लिया गया है कि जल्द से जल्द जो घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई है उनको पूरा किया जाए। मीटिंग तो रोड ट्रैफिक जिस तरह से गुड़गांव के अंदर बढ़ रहा है, काफी ओवरब्रिज बने, अंडरपास बने, उसके बावजूद भी कई जगह के ऊपर जैम लगता है, तो ट्रैफिक किस तरह से सुचारू रूप से चले उस विषय के अंदर चर्चा करी गई। जो लोकल लोग हैं, एनजीओज हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया और रास्ता निकालने की कोशिश करी गई। कुछ कमेटियां बनाई गई हैं जो इंस्टीट्यूशनल तौर के ऊपर हर महीने मीटिंग करेंगी और जहां जहां रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको हल करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। विभिन्न डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल होंगे। एक तो मीटिंग इस विषय के अंदर रतिया में नगर पालिका चुनावों में आम आदमी पार्टी प्रधान पद के उम्मीदवार अमरजीत कौर औजला के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एक तरफ अनुराग ढांडा ने जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो वहीं बीजेपी और जेजेपी पर तंज कसा। आपको बता दें कि अमरजीत कौर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की हुई पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में दोनों पार्टियां काफी डरी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में पूरी तरीके से लहर है और इन चुनावों के बाद हरियाणा में तस्वीर बदल सकती है। मान भी गई ठीक है, मान गए वो दो आदमी को अलग उठे उनके पास करते हैं। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कॉमन सर्विस सेंटर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है और आग की लहर आपको बताते चले, आग की वजह से काफी यहां पर नुकसान भी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रॉस मार्केट के कॉमन सेंटर में भीषण आग, तीसरी मंजिल पर बना हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर, लाइब्रेरी में भी आग की लपटें पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लाइब्रेरी में मौजूद थे करीब 12 बच्चे। रेवाड़ी से बड़ी खबर, तीसरी मंजिल पर बना हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर, लाइब्रेरी में भी आग की लपटें पहुंच गई हैं। लाइब्रेरी में मौजूद थे करीब 12 बच्चे। ब्रॉस मार्केट के कॉमन सेंटर में भीषण आग, लाइब्रेरी में भी पहुंची आग की लपटें। कॉमन सर्विस सेंटर के साथ बनी है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में मौजूद थे करीब 12 बच्चे। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है इसकी वजह। ब्रॉस मार्केट के कॉमन सेंटर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है, लाइब्रेरी में 12 बच्चे भी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है और शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। ब्रॉस मार्केट के कॉमन सेंटर में भीषण आग लगी है, ब्रॉस मार्केट के कॉमन सेंटर में भीषण आग। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर के एसडीएम कपिल शर्मा और अन्य अधिकारियों ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की बैठक ली है। इस दौरान चुनाव से संबंधित प्रक्रिया के बारे में उम्मीदवारों को समझाया गया और उन्हें कई नियमों को पालन करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ उम्मीदवारों को कहा गया कि चुनाव खर्च का विवरण किस प्रकार रखना है। शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा ने बताया, स्थानीय निकाय चुनावों के चलते सभी उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को उम्मीदवारों को समझाया गया। इस मौके पर चुनावी खर्च के लिए ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। ये
कि सारे के सारे कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स को जो है आज यहाँ आमंत्रित किया गया था, चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझाने के लिए हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर श्री पवन चौधरी जी भी हमारे बीच में, उन्होंने भी विस्तार से जो है कि खर्चा किस तरह से दिन प्रतिदिन के रजिस्ट्रेशन के द्वारा बुक किया जाना है कैंडिडेट्स के द्वारा वो बताया है। इसके अलावा मेरे द्वारा भी जो जनरल चीज़ें हैं इलेक्शन से रिलेटेड, विशेष तौर पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, उनकी एक प्रति भी जो है सारे के सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवा दी गई है। दूसरी बात यह है कि जितने भी खर्चे आप करोगे उनके सभी के आपके पास है ना वोचर होने चाहिए। नॉमिनेशन की जो फीस आपने गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो शातिर चाइनीज स्नैचर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिन्होंने मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के साथ चाइनीज स्नैचिंग की वारदातों से आतंक मचा रखा था। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों सलीम और सिद्दीकी चाइनीज स्नैचर्स मेवात में रहने वाले हैं और बीती 26 मई की सुबह भी खेड़की दौला सेक्टर 29 और सुशांत लोक थाना क्षेत्र में एक के बाद एक तीन वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हुए थे। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने 8 से 9 चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा किया। बहरहाल क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये दिनांक 26/5/2022 को एक व्यक्ति साइकिलिंग के लिए जा रहे थे सुबह सुबह, और वो जब जो ही एमएलए फ्लैट्स के पास पहुंचे तो वहां पे दो बाइक सवार पीछे से आए पल्सर पे और उन्होंने उनकी चैन छीन के और भाग के, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम 39 ने दो व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके नाम सलीम और सद्दीक हैं। ये दोनों मेवा जिले के रहने वाले हैं और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने माना है कि सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हुए वह शाम की इन्होंने चैन स्नैचिंग की। गुड़गांव जिले में 8 से 9 वारदात कर रखी हैं। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने बीती 7 जून को मनीष भरद्वाज की हत्या मामले में आरोपी सन्नी कांत को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने सन्नी कांत को उस वक्त गिरफ्तार किया जब सन्नी कांत गुरुग्राम से कहीं दूर जाने की फिराक में था। एसीपी क्राइम प्रीतपाल की माने तो मनीष भरद्वाज और सन्नी कांत के बीच काफी समय से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते सन्नी कांत ने मनीष भरद्वाज पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। सात छः 2022 को लगभग 3:45 बजे 3 बजे के आसपास की बात है कि लेडी फातिमा स्कूल के सामने एक शख्स को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके परिजन उसको हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में जाके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में पहचान मनीष भारद्वाज के रूप में हुई, जो पहले से एक अवैध लाइसेंस और हथियारों के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका था और इसका ही साथी एक उसमें उसके ड्राइवर ने बताया कि उसी ने उस पे गोलियां चलाई थी, और उस ड्राइवर के बयान पे जो उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था उसने बताया कि मैं और ये दोनों उस गाड़ी में सवार थे और कहीं से एसी परचेज करके वापस आ रहे थे, तो पैसे के लेन देन को कोई के बीच में इनकी वैसा वैसी हुई। गुरुग्राम के पौश इलाके सेक्टर 29 में 37 साल की युवक को सर्विस गर्ल से रिलेशन बनाना महंगा पड़ जाता है। आपको बता दें एक महिला ने पहले तो युवक को सोशल मीडिया से फंसाया और उसके बाद ओयो रूम में मिल करके उसके साथ संबंध बनाए। महिला ने फिजिकल रिलेशन का वीडियो बनाकर पीड़ित युवक को अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। वहीं सेक्टर 29 पुलिस ने इस गंभीर मामले में पीड़ित युवक की शिकायत पर वारदात में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
मैं वहाँ से निकलने लगा, एज इट इज़ थे हम, मैं निकलने लगा तो उसने मैसेज ड्रॉप किया, पता नहीं फ़ोन किया बाथरूम में जाके, गेट पर नोक नोक की आवाज़ होनी स्टार्ट हुई। तो मैं फ्रीली माइंड था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आया होगा। उसने गेट खोला, तीन लड़के एकदम से एंटर हुए और मेरे को आते ही साथ मारना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह में चद्दर दिली और उल्टा गिर के मेरे को पूरा उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह पे नहीं मारा, मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ मारे, बाकी पेट में मुक्के वगैरह सब कुछ मारा। मैं पूरा एकदम घबरा चुका था। मैं उनसे बोला भी एक को लास्ट में जब वो हट गए, मैंने कहा यार मेरे को मार के रहे हो, मेरे को ये मेरे को गलती बताओ। कह रहे तो मतलब मेरी मतलब इसके साथ ये मेरे को धोखा दे रही है और तू इसके साथ लगा हुआ है। मैंने कहा भाई तेरे इसने मेरे को बुलाया था बकायदा, इस तरह बात। मैंने व्हाट्सएप की चैट उसको दिखाई, उसने सडनली मेरे से फ़ोन खोस के और वो व्हाट्सएप की चैट डिलीट कर दी। महेंद्रगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में नकली क्राइम कंट्रोल विभाग के कर्मचारी बनकर पैसे वसूलने वाले गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों से 3 गाड़ी और 6 फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए। आपको बता दें आरोपियों ने होटल कारोबारी को एफआईआर का डर दिखा करके होटल संचालक से 50,000 रुपए की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। सिटी थाना महेंद्रगढ़ में 185 नंबर एफआईआर चीटिंग एवं एक्सटॉर्शन की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुई है। यह धारा एक होटल ओनर की शिकायत में दर्ज हुई थी, जिसमें विदित हुआ था कि कुछ लोग फेक क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आदि बना के लोगों से होटल ओनर से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। ये इस बिना पर कि वो पुलिस की मदद कर रहे हैं, अलग अलग होटल से उन्होंने कुछ पैसे लिए। तो हमने यह विदित होने के बाद में एसपी साहब के मार्गदर्शन में जो मुलजिम हैं उनके ठिकानों पर रेड मारी। पलवल के होटल में सीआईए टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें आरोपी गांजा को विशाखापट्टनम से सेफ्टी टैंक में छुपा कर ला रहा था। होटल सीआईए और एंटी नारकोटिक सेल के प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह ने बताया कि उनकी टीम लगातार नशीला पदार्थ तस्करों पर अंकुश लगाने में का काम कर रही है। इससे पहले भी उन्होंने करोड़ों रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किए और नशे के सौदागरों को जेल भेजा है। हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोग सोनाली का ट्रैक्टर भी भेजे, जो सीक्रेट टैंक है उन्होंने वो घर के उसके अंदर छुपाकर गांजा पत्ती को ले जा रहे हैं बलवल के अंदर। तो हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन द्वारा नाकाबंदी की अपने सीआईए स्टाफ के सामने और उन पर भी सोच रहा है, ऊपर हमें उसको काबू किया। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां एक तेज रफ्तार कार पंजाब रोडवेज की बस से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते चले पंजाब रोडवेज की बस के चालक और परिचालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार प्रदीप अपनी कार में सवार होकर बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ जा रहा था। अचानक कार का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी कार नेशनल हाईवे के बीच में लगे ग्रिल को तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से गाड़ी के अंदर शव को बाहर निकाला। गाड़ी अपनी स्विफ्ट डिजायर है जो बहादुरगढ़ से रोहतक की साइड जा रही थी, तो अपने रोड टोल के पास शायद नींद आने के कारण या किसी ने कारण ये एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी कूद कर रॉन्ग साइड आ गई।
ऊपर से कूद के, और उसमें जो है बस चाल अपनी जो पंजाब रोडवेज की बस है उसके साथ इसकी आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें गाड़ी चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बस का नियंत्रण उधर कम से कम 50-100 मीटर बाद रुकी है। बस की सभी सवारियां कनेक्टेड है और सभी सेफ है। कुरुक्षेत्र विकलांग विकास एवं कल्याण ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को शुगर फेड हरियाणा चेयरमैन एवं शाहबाद विधायक रामकरण काला के निवास पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विधायक के प्रतिनिधि के मार्फत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने विधायक से मांग की है कि वो मुख्यमंत्री के सामने उनकी मांगों को उठाए और उन्हें पूरा करवाएं। वहीं ट्रस्ट के उप प्रधान फूला राम ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को और ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती उनका संघर्ष जारी रहेगा। खबर फरीदाबाद से, जहां मोहाना गांव स्थित सरकारी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। दरअसल आपको बता दें कि निर्माणाधीन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करके ठेकेदार जुई और एसडीओ सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। स्कूल की दीवारों में लाल पीली पेटी की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में गांव के सरपंच से बात की गई तो बताया कि दीवारों के अंदर पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस बीच सरपंच ने तुरंत काम को बंद करवा करके खराब ईंटों को निकालने का काम किया। साथ ही घटिया सामग्री लगाए जाने की वीडियो देखने के बाद एडीसी फरीदाबाद ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। अच्छा, और जो भी गलत माल है उसे वापस करवाएंगे और जो भी लग रहा है उसे भी वापस कराएंगे। दीवार में जो भी सरकार बढ़िया माल के पैसे दे रही है बढ़िया ही माल लगाएंगे। तो अभी आपने देखा कैसी कैसी ईंटें लग रही हैं ना? मिक्स तो है इसमें, मिक्स है। कुछ कहेंगे? देखिए, अभी आपके द्वारा जैसे संज्ञान में लाया गया है, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें नियमानुसार समुचित कार्रवाई करेंगे। इससे पहले ये हमारे संज्ञान में नहीं था। इसमें कुछ सैंपलिंग अगर करानी है, इंस्पेक्शन करानी है या और कुछ कराना है, वो पूरा उसका किया जाएगा, उसको ऑफिशियली टेकअप किया जाएगा। और इसमें जो भी अगर कोई गलती है, कोई कमी है मटेरियल में या फिर निर्माण कार्य में कोई कमी है, तो वो उसका पूरा जो है ठीक किया जाएगा और समुचित कार्रवाई किसी भी प्रकार की जो बनती है। मेरे पास आई है अभी, जैसे वीडियो वगैरह भेजी है तो मैंने उसको डीपीसी को भेज दी है, जो एसएसए का काम देखते हैं जिनके थ्रू ये बन रहा है, और उस पर जेएसडीओ से भी पूछा जाएगा और आगे फिर एक्शन के लिए लिखेंगे। बिल्कुल जी, कार्रवाई को जेएसडीओ है ये चेक करेंगे, डीपीसी देख रहे हैं और हम भी चेक करेंगे फिर। तो पीली ईंट तो नहीं लगेगी। इस तरीके का भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसमें तो विजिलेंस जांच होकर के एफआईआर होनी चाहिए और उन जनप्रतिनिधि जो इसके संरक्षक हैं उनको भी इसमें लपेटे में लेना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता तो लगे जो भ्रष्टाचार की लिमिट है वो इस तरीके से क्रॉस हो चुकी है कि हर चीज में भ्रष्टाचार इस टाइम पे पूरा चरम सीमा पे है। ठेकेदार भी ये कहता है कि ऐसे पत्रकार बहुत सारे घूमते हैं, कोई बात नहीं, हम सेटिंग करके सारा काम कर देंगे। क्या लगता है, क्या दिखाना चाहता है ठेकेदार, किसको संरक्षण, किसका संरक्षण? देखिए, जब संरक्षण अगर वो कह रहा है तो गारंटी की बात है, जनप्रतिनिधियों के बगैर संरक्षण नहीं होता। सर, मैंने तो आपको वीडियो कॉल करके दिखाई है सारी चीजें। हेलो, हाँ जी। निर्दलीय प्रत्याशी ममता शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और जनता का भरोसा जीतने का प्रयास कर रही हैं। नगर परिषद चेयरमैन पद की निर्दलीय प्रत्याशी ममता शर्मा ने आज शहर के अनेक वर्गों में डोर टू डोर प्रोग्राम करके केशव नगर
मेहता चौक किला रोड पर नुक्कड़ सभा करके अपने पक्ष में आने वाली 19 तारीख को कैंची का बटन दबाकर वोट करने की अपील की। वहीं जनता के द्वारा केशवनगर पहुंचने पर निर्दलीय प्रत्याशी ममता शर्मा एवं पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा और पूर्व मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा का फूल माला पहनाकर पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं केशवनगर के लोगों ने ममता शर्मा को आश्वासन दिया है कि केशवनगर वार्ड से जनता ने जुटा करके नगर परिषद भेजने का कार्य जरूर करेगी। अब श्रीमती अनीता यादव हमारे प्रत्याशी से श्रीमती ममता शर्मा को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत कर रही है। भाई ऐसा है कि जनता का आश्वासन तो जैसा केशवनगर में मिल रहा है वैसा कहीं नहीं मिला और इसी तरह का सब वार्डों में मिल रहा है। कहीं कहीं तो 150 से 200 की संख्या में लेडीज इकट्ठी होती हैं और ज्यों ज्यों अब शाम का टाइम और बढ़ेगा ज्यों ज्यों इतना भारी हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर जो लोगों ने प्यार दिया है केशवनगर में, मैं कहता हूँ एक परिवार के रूप में हमें अपनाया इन्होंने। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।